नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा एकबोटे हूँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। मैं पिछले 8 सालों से महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ी हुई हूँ। काला मोतिया या ग्लोकोमा होने के क्या कारण हैं? काला मोतिया का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि इसमें कई सारे रिस्क फैक्टर्स पाए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा, यानी अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को पहले से ग्लोकोमा है तो यह एक ग्लोकोमा का रिस्क फैक्टर है। दूसरा, बढ़ती हुई उम्र के साथ ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह साधारणतः 40 के उम्र के बाद पाया जाता है, किसी किसी में ये जन्म से भी पाया जाता है, जिसे हम कंजिनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और शारीरिक जो डिजीज़ होती हैं, सिस्टमिक डिजीज़, जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं काले मोतिया के लिए। हाई माइनस का चश्मे का नंबर या हाई मायोपिया होने से भी ग्लोकोमा का चांसेस ज़्यादा है। आँखों का प्रेशर एक सर्टेन रेंज से अधिक होने से भी ये बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आँखों का जो नॉर्मल प्रेशर है एक 10-20 मिलीमीटर मर्करी के रेंज में होता है। एक वेरिएंट पाया जाता है जिसे हम नॉर्मोटेंसिव ग्लोकोमा बोलते हैं, जिसमें नॉर्मल आँखों का प्रेशर के साथ भी काले मोतिया का बीमारी पाया जाता है। इसके अलावा आँखों में स्टेरॉइड्स के लंबे यूजेज के बाद होती है, या फिर आँखों की कई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे यूवियाइटिस या चोट लगने पर भी ग्लोकोमा हो सकता है। काले मोतिया के क्या लक्षण हैं? 90% लोगों में काले मोतिया का कोई लक्षण नहीं होता, यानी कि इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक इन 90% पेशेंट्स। 10% लोगों में लक्षण हैं आँखों में दर्द, आँखों का लाल हो जाना, सिर दर्द या हेडेक, रोशनी के चारों ओर रंगीन छल्ले दिखाई देना या हेलोस, धुंधलापन या फिर फील्ड ऑफ विजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाना या दृष्टि का दायरा कम हो जाना।